कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के कारण हजारों लाखों मजदूर अपने घरों अपने परिवारों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। ऐसे में सरकार ने फंसे प्रवासियों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश जारी किए थे। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट चलेगी, यानी ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकेगी। खास बात ये है कि ये ट्रेन सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर प्रवासियों यानी माइग्रेंट्स को कई डाउट्स हैं, तो आइए जानिए इससे जुड़ी हर जानकारी जिससे आपको किसी तरह से कोई परेशानी न हो। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ट्रेन को चलाने के आदेश दिए हैं। ये ट्रेन सिर्फ प्रवासियों के लिए चलाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे हैं, तो आप इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए राज्य सरकार लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसमें प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और तीर्थ यात्रियों को शामिल किया गया है। ऐसे लोग स्थानीय प्रशासन से कॉन्टैक्ट कर एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके बाद वहां के नोडल ऑफिसर जो लिस्ट तैयार करेंगे वो रेलवे को सौंपी जाएगी। स्टेशन पर केवल उन्हीं लोगों को पहुंचाने के लिए कहा गया है जिन्हें प्रशासन चुनेगा। मान लीजिए आप कोटा में फंसे हैं, तो आप वहां के स्थानीय जिला प्रशासन कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के लिए भी प्रशासन अपने लेवल पर व्यवस्था करेगा। ट्रेन टिकट के लिए भी स्टेशन पर ही व्यवस्था होगी। स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद उनमें स्वस्थ पाए गए यात्रियों को ही ट्रेन में बैठने की अनुमति मिलेगी। यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इन स्पेशल ट्रेन में 72 की बजाय 54 यात्रियों को बैठने की इजाजत होगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरूरी होगा। ट्रेन में प्रवासियों को खाना पानी मिलेगा। हर कोच में यात्रियों की संख्या तय होगी। जिस राज्य में ट्रेन चलेगी वहीं की सरकार खाने पानी का इंतजाम करेगी। अगर सफर लंबा हुआ तो बीच में यात्रियों को खाने पानी की व्यवस्था रेलवे की ओर से मुफ्त की जाएगी। अपने राज्य पहुंचने के बाद एक बार यात्रियों की फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण मिलते हैं तो उसे सीधा 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजा जाएगा, और अगर लक्षण नहीं मिलते हैं तो आपको घर जाने की इजाजत होगी। न्यूज डेस्क।